हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो का पार्ट थ्री। तो पार्ट थ्री में पहला क्वेश्चन देखिए दिया है 5:8 समानुपात 150:x। देखिए आज हम लोग समानुपात के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो समानुपात क्या होता है, समानुपात किसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो प्रोपोर्शन, ठीक है प्रोपोर्शन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो अनुपात आपस में समान रहे उसे समानुपात कहते हैं, यानी दो अनुपात आपस में समान रहे उसे समानुपात कहते हैं। तो एग्जाम्पल में एक थोड़ा देख लीजिए, जैसे दो अनुपात, एक अनुपात लेते हैं ए अनुपात बी और दूसरा अनुपात लेते हैं सी अनुपात डी, यानी ए अनुपात जितना है उतना ही सी अनुपात डी रहे, तो दोनों अनुपात क्या हो जाता है, आपस में समान, इसको समानुपात बोल सकते हैं। यानी ए अनुपात बी जितना है उतना ही सी अनुपात डी है, यानी बराबर है, तो दो अनुपात बराबर है तो उसे समानुपात कहते हैं। देखिए अगर दो बिंदु रहता है तो इसको अनुपात बोलते हैं, अगर यही चार बिंदु रह जाए तो इसको समानुपात बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, समानुपात। लेकिन ये चारों बिंदु को सामने सामने मिला दिया जाए तो ये इक्वल का साइन में बदल जाता है, यानी बराबर हो जाता है। तो यहाँ वही चीज है, ए अनुपात बी समानुपात, समानुपात मतलब चार बिंदु देंगे, तो सी अनुपात डी, या इसको इक्वल का साइन में बदल सकते हैं। तो ए अनुपात बी जितना है उतना ही सी अनुपात डी रहे तो उसे बोलते हैं समानुपात। देखिए समानुपात के केस में क्या होता है कि अंदर अंदर एक साथ गुना करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, अंदर अंदर एक साथ गुना करते हैं और बाहर बाहर एक साथ गुना करते हैं, बाहर बाहर एक साथ गुना करते हैं और बराबर करते हैं, यानी लिख सकते हैं b गुना c बराबर होगा a गुना d, यानी अंदर अंदर एक साथ गुना तो b गुना c कितना हो जाएगा bc, और बाहर बाहर एक साथ गुना तो a गुना d तो कितना हो जाएगा ad, तो bc बराबर ad। या इसी को लिख सकते थे आप कि a अनुपात b को क्या लिख सकते हैं, a बटा b लिख सकते हैं ना बराबर, और c अनुपात d को क्या लिख सकते हैं, c बटा d। देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो a गुना d कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ad, और b गुना c कीजिएगा तो कितना हो जाएगा bc। तो यही चीज होता है कि अंदर अंदर एक साथ गुना, बाहर बाहर एक साथ गुना, तो bc बराबर ad या ad बराबर bc, वही चीज आता है। तो ये समानुपात का केस हुआ, यानी आपको सिर्फ समानुपात में एक ही चीज याद रखना है कि अगर दो अनुपात आपस में समान तो उसे समानुपात कहते हैं। अब अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना, ठीक है, अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना करना है समानुपात में। तो चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी समानुपात 150:x है, तो x का मान कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समानुपात के इसमें क्या पढ़े हैं, अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना, तो इसको कीजिएगा तो 5 गुना x कितना हो जाएगा 5x, 5 गुना x कितना 5x, और 8 गुना 150 तो लिख लीजिए 8 और गुना 150। अब देखिए 5x बराबर कितना हो गया 8 गुना 150, तो 5 से कट लीजिए, 5 से कट जाएगा यहां तो कितना हो जाएगा 3×5 150, 30 से, यानी x बराबर कितना आ गया 8×3=24 और 1 0 यानी 240, यही आंसर आ गया, x का मान कितना आया 240, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो ऑप्शन डी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि 3:4 बराबर है 6:n, या इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि 3:4 समानुपात 6:n। चलिए इसको बनाते हैं, तो समानुपात में क्या पढ़े हैं, अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना करना है,
अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना करना है। तो चलिए थ्री गुना एन, बाहर बाहर गुना कर लीजिए तो थ्री गुना एन कितना जाएगा, थ्री एन बराबर। और चार गुना छ कीजिएगा तो कितना जाएगा, चौबीस। चार गुना छ कितना, चौबीस। अब थ्री एन बराबर चौबीस तो तीन से भागा लगा सकते हैं, तो तीन अठी कितना हो जाएगा, चौबीस। यानी एन का मान कितना आ गया, आठ। यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन कौन जाएगा, तो ऑप्शन सी। देखिए तीसरा क्वेश्चन में है कि यदि x अनुपात 4 समानुपात है 49:1 का, तो x का मान कितना होगा। देखिए समानुपात का केस में हम लोग क्या पढ़े हैं कि अंदर अंदर एक साथ गुना करना है, अंदर अंदर एक साथ गुना करना है और बाहर बाहर एक साथ गुना करना है। तो गुना कीजिए तो x गुना x कीजिएगा तो कितना जाएगा, x स्क्वायर। और यहां गुना कीजिएगा तो 4 × 49 कितना जाएगा, तो 4 × 49 रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर बराबर आया 4 × 49 तो x बराबर कितना, तो हम लोग जानते हैं कि पावर एक साइड से अगर दूसरे साइड में चला जाए तो पावर क्या होता है, तो पावर हो जाता है पलट जाता है। यानी 4 × 49 यहाँ कितना था पावर, 2, तो उधर जाकर कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 मतलब कितना, रूट। यानी 4 × 49 का रूट निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि 4 का रूट कितना होता है, 2, और 49 का रूट कितना होता है, 7। तो 2 × 7 कितना जाएगा, 14। यानी आ गया x बराबर कितना, 14। आंसर कौन सा जाएगा, डी नंबर। आंसर डी नंबर, यानी अंदर अंदर एक साथ गुना, अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना करना है, ये समानुपात का केस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25। तो चलिए इसको भी लगाते हैं, समानुपात का केस है, तो अंदर अंदर एक साथ गुना करना है और बाहर बाहर एक साथ गुना करना है। तो इसको ले सकते हैं 1/x गुना 1/x तो कितना जाएगा, 1/x स्क्वायर। अब इधर से गुना कीजिएगा तो 1/5 और गुना 1/1.25 यानी आ जाएगा, देखिए 125 इसको मान लीजिए, इसको कितना मानिएगा, 125। अब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 125 × 5 625। लेकिन इसमें कितना अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव बैठा लीजिए। अब 1/x स्क्वायर बराबर आ गया 1/6.25, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर को उलट सकते हैं, तो x स्क्वायर, तो 1/6.25 को उलटिएगा तो कितना रहेगा, 6.25। अब निकाल लीजिए x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या जाएगा, रूट में, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25। अब देखिए अब 2 अंक के बाद दशमलव था लेकिन वर्गमूल निकालिएगा तो कितना अंक के बाद दशमलव जाता है, 1 अंक के बाद दशमलव जाता है। यानी x बराबर कितना आ गया, 2.5। 2.5 कौन सा जाएगा आंसर, ए नंबर। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z, क्या दिया है, x अनुपात y बराबर y अनुपात z हो तो x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो हम लोग पढ़े हैं समानुपात में कि अंदर अंदर एक साथ गुना करना है और बाहर बाहर एक साथ गुना करना है, बाहर बाहर एक साथ गुना करना है। तो यहाँ कर सकते हैं y गुना y तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। y गुना y कितना, y स्क्वायर। और x गुना z कीजिएगा तो कितना जाएगा, तो x गुना z आ जाएगा xz। यानी हम लोग निकाल लिए हैं y स्क्वायर बराबर कितना, xz। y स्क्वायर बराबर कितना निकाल कर आया है, xz। तो चलिए हमको निकालना है x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर का रेशियो कितना होगा। देखिए x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दीजिए, x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने देते हैं,
और वाई स्क्वायर का मान रखते हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आया है एक्स जेड, तो यहाँ एक्स जेड लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा एक्स गुना एक्स अनुपात, और यहाँ कितना होगा एक्स जेड, तो दोनों में कॉमन कितना हो रहा है, दोनों में कॉमन कितना हो रहा है, तो एक्स कॉमन हो रहा है यानी एक्स काट सकते हैं, तो एक एक्स यहां से खत्म हो जाएगा और एक एक्स यहां से खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां से एक्स अनुपात जेड, क्या बचेगा एक्स अनुपात जेड आंसर आ गया, यानी एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर का रेशियो कितना है एक्स अनुपात जेड के बराबर होगा, ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर। छठा क्वेश्चन दिया है यदि ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी बराबर 5:3 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर भाग। चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग समानुपात के केस में क्या पढ़े हैं, तो समानुपात के केस में पढ़े हैं अंदर अंदर एक साथ गुना, बाहर बाहर एक साथ गुना, क्या पढ़े हैं अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना। चलिए कीजिए अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना करना है, तो a माइनस बी में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 5a माइनस 5b बराबर, अब बाहर बाहर एक साथ तो a प्लस बी में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 3a प्लस 3b। अब देखिए a को एक साइड रखिए और b को दूसरा साइड में, तो 5a आई प्लस 3a है, अगर बराबर को साइड ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 5a में से 3a को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2a, इधर है 3b तो 3b और इधर से माइनस 5b को उस साइड ले जाइएगा तो प्लस 5b हो जाएगा, यानी माइनस से क्या हो जाएगा उधर जाकर प्लस में, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8b। देखिए इसको काट सकते हैं 2 चको 8, यानी a बराबर 4b, अब b नीचे आ जाएगा तो a बटा b बराबर लिख सकते हैं कितना 4, अब बटा में कुछ है तो 1, यानी a बटा b बराबर 4/1, तो a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, यानी यहां से ले सकते हैं। देखिए a का मान सामने वाला कितना हो जाएगा 4, अब b का मान कितना हो जाएगा सामने वाला 1, तो पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो रख लीजिए इसमें मान कि a का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस, अब b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अनुपात, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को रखिए तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, 16 में से गया तो कितना 15, तो 16 × 1 = 17 और 15 × 15 यानी कितना गया रेशियो 17:15 में, तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है डी नंबर। आइए हम लोग देखते हैं सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है 5a माइनस 3b अनुपात 4a माइनस 2b बराबर 2:3 हो तो a अनुपात b बराबर भाग, तो इसमें भी समानुपात का केस है, यानी 2:1 बराबर तो क्या हो जाएगा समानुपात, तो अंदर अंदर एक साथ गुना करेंगे आई बाहर बाहर एक साथ गुना करेंगे, तो गुना कीजिए 4a माइनस 2b गुना 2 तो कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना कीजिएगा 4a माइनस 2b में, तो 4×8a माइनस, और 2 में गुना कीजिए 2b से तो कितना 2×4b बराबर, अब 5a माइनस 3b में 3 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 5×3 = 15a माइनस, और 3b में 3 से गुना कीजिए तो कितना होगा 3×3 = 9b। अब देखिए a को एक साइड रखिए b वाला को एक साइड, तो 15a और 8a उधर जाएगा तो क्या जाएगा घटेगा, तो 15a में से 8a घटाइए तो कितना हो जाएगा 7a, और इधर है -4b
तो माइनस नाइन बी को इधर लाइएगा तो माइनस नाइन बी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस नाइन बी में से माइनस चार भी घटेगा तो कितना हो जाएगा फाइव बी। अब देख सकते हैं कि ए के सामने कितना है पांच और यहाँ बी के सामने कितना है सात, यानी ए का रेशियो जाएगा पांच और बी का रेशियो जाएगा सात, यानी कितना हो जाएगा ए अनुपात बी का रेशियो पांच अनुपात सात, यानी ऑप्शन कौन जा रहा है डी नंबर, ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन आठवां नंबर, देखिए दिया है यदि एन अनुपात 38 समानुपात 3:57 तो एन बराबर आठ, हम लोग जानते हैं समानुपात में अंदर अंदर एक साथ गुना करेंगे और बाहर बाहर एक साथ गुना करेंगे, तो कीजिए 38 गुना 3 और बराबर एन गुना 57, यानी लिख सकते हैं एन गुना 57 बराबर 38 गुना 3। अब काटिए तो 19 इसमें भागा दे सकते हैं, 19 दुना 38 और ये कटेगा 19 दिया ये 57 और 3 से 3 यहाँ कट गया तो बचेगा कितना एन बराबर, तो एन बराबर तो इसका आंसर है, यानी ऑप्शन कौन जा रहा है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है। आइए नौवा क्वेश्चन देखते हैं, नौवा क्वेश्चन दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी तो ए के पावर फोर अनुपात बी के पावर फोर का रेशियो कितना होगा, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखिए ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, तो हम लोग जानते हैं कि दो अनुपात बराबर हो तो से समानुपात, और समानुपात के केस में क्या करेंगे अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना करेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं बी गुना बी यानी कितना बी स्क्वायर और ए गुना सी कितना ए सी। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी तो बी के पावर फोर का मान कितना जाएगा, देखिए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो इधर भी क्या करना होगा ए सी का होल स्क्वायर करना होगा, ए सी का स्क्वायर करना होगा, तो अब यहां से गुना कीजिएगा दो गुना दो ये पावर कितना जाएगा बी के पावर फोर हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, यानी बी का पावर फोर बराबर कितना माना गया ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है अब क्वेश्चन से दिया है ए के पावर फोर अनुपात बी के पावर फोर का रेशियो कितना होगा, देखिए ए के पावर फोर को रहने दीजिए, ए के पावर फोर को रहने देते हैं, अब बी के पावर फोर का मान रखिए तो बी के पावर फोर का मान कितना निकाल कर लाए ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, देखिए ए के पावर फोर मतलब कितना ए की संख्या यहाँ चार गो और यहाँ क्या है ए के पावर दो इंटू सी के पावर दो, मतलब क्या होगा कि ए की संख्या दो गो है यहाँ पर और यहाँ सी की संख्या क्या होगा दो गो, तो दोनों में कॉमन कितना होगा, यानी दोनों में कॉमन कितना है तो दोनों से कॉमन कर लेते हैं ए स्क्वायर, यानी दो गो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा कितना तो ए के पावर फोर में ए के स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा ए स्क्वायर बचेगा और ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर में ए स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कट जाएगा तो रेशियो कितना आ गया ए स्क्वायर इंटू अनुपात सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा तो ए स्क्वायर इंटू अनुपात सी स्क्वायर, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ छूट गया, यहाँ आप दे सकते हैं ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ऑप्शन डी बना लीजिए ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। देखिए दिया है यदि 5a² माइनस 8b² अनुपात 3a² प्लस 9b² बराबर 4:7 हो तो ए अनुपात बी बराबर भाट, ये भी समानुपात का केस, तो लगाइए अंदर अंदर एक साथ गुना करना है और बाहर बाहर एक साथ गुना करना है, बाहर बाहर एक, तो कीजिए अगर 3a² प्लस 9b² में 4 से गुना करते हैं तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 12 a² प्लस
और ये 9 × 4 की जगह तो कितना जगह 9 × 4 = 36 बी स्क्वायर। अब यहाँ कीजिए बाहर बाहर गुना, तो 5² - 8b² में 7 से गुना, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 35a² माइनस, और 8b² में 7 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, तो 8 × 7 = 56b². अब ए स्क्वायर को एक साइड और बी स्क्वायर को एक साइड रखिए, देखिए 12a² अब 35a² को एक साइड में रखिए, हम लिख सकते हैं 35a² यहाँ ना 12a² को उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 12a² बराबर। अब यहाँ से था 36b², तो माइनस 56b² को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस 56b². अब घटाइए, तो यहाँ घटाइए 35 में से 12 घटेगा, 35 में से 12 घटेगा तो कितना जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 और 3 में से 1 घटेगा तो 2 यानी 23a² बराबर। अब 36 और 56 को जोड़िए तो 6 × 6 = 12 5 × 3 = 8 = 9 यानी 92b². अब इसको काट सकते हैं आप, 23 × 6 कितना आता है 92, यानी आ गया a² = कितना 4b² यानी लिख सकते हैं a² और b² को बट्टा मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा a² / b² हेलो बराबर कितना 4 बोलिए, तो a² / b² को लिख सकते हैं क्या a / b² आज आ जाए बराबर 4। अब स्क्वायर को उधर ले जाएगा तो क्या जाएगा वर्गमूल में, यानी a बटा बी बराबर कितना जाएगा तो 4 का वर्गमूल करना, तो यानी a अनुपात b का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा a नंबर, ऑप्शन कौन जाएगा a नंबर।